Are you fashionista? आपको अगर कोई पूछे Are you fashionista? तो थोड़े चौंक जाते हो। Fashionista मतलब वो लड़का या लड़की जो all types के trend follow करते हैं, जैसे कि regarding clothes, regarding jewelry, regarding purses, belts, everything। इसे fashionista कहा जाता है। फैशन मतलब तो आपको पता है, लेकिन फैशनिस्टा मीन्स द पर्सन हु फॉलोज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेंड इवन दो इट लुक्स गुड ऑन हिम और बैड। मतलब जो तरह तरह के कपड़े जो ट्रेंड में हो वो पहनते हैं, तरह तरह की जैकेट्स पहनते हैं जो चलती है, इसे फैशनिस्टा बोला जाता है। तो बताइए, आर यू फैशनिस्टा? व्हाट इज ट्रेंड सेटर? जैसे कि ये सारा अली खान की फोटोग्राफ्स है जिसमें उन्होंने फटी हुई जीन्स पहनी है, जिसे हम वॉर्न आउट जीन्स बोलते हैं। उन्होंने पहनी इसलिए सब कॉलेज के लड़के लड़कियां दे स्टार्ट वेयरिंग वॉर्न आउट जीन्स। सो सारा अली खान इज ट्रेंड सेटर ऑफ वॉर्न आउट जीन्स। दूसरा उदाहरण लीजिए, रणवीर सिंह ने अगर कान में बिगबाली डाली, मतलब इयररिंग्स डाले, तो सब कॉलेज के लड़के लड़कियां दे फॉलो दैट ट्रेंड। तो यहां पर रणवीर सिंह हो गए ट्रेंड सेटर। तो फिर से एक सेंटेंस में आते हैं, ट्रेंड सेटर मीन्स द पर्सनैलिटी हु सेट्स द ट्रेंड ऑफ अ पर्टिक्युलर फैशन। इट मीन्स इफ ही और शी वेयर्स द पर्टिक्युलर थिंग देन ऑल द अदर पीपल ऑल द यंग जनरेशन फॉलो द सेम। इसका मतलब आप जान गए होंगे, फिर से एक बार बताती हूँ। कोई फेमस पर्सनैलिटी ने एक चीज कर ली, मतलब जैसे कि कपड़े पहन लिए या फिर जैसे बाली डाल ली, तो बाकी सब कॉलेज के स्टूडेंट्स सेम करते हैं एंड इट स्लोली सेट्स द ट्रेंड, जिसे हम ट्रेंड सेटर बोलते हैं। आप बिल्कुल सही पकड़े हो, आज का हमारा टॉपिक है फैशन वोकैबुलरी, मतलब वर्ड्स रिलेटेड विथ फैशन। रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ बेल की घंटी वो भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस दस्तक दे आपके मोबाइल स्क्रीन पर और हम और आप बातें कर पाए, क्योंकि बातें करना ज़रूरी है और फैशन करना वो भी ज़रूरी है, बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी। जो भी चीज़ करो खुद से लिए करो, ना कि लोगों को अच्छा लगता है लोग क्या बोलेंगे। डोंट थिंक अबाउट इट, व्हाट एवर यू थिंक डू दैट, दैट मेक्स योर लाइफ इजी एंड सिंपल। Simple, simple, simple.
सिंपल सिंपल। जो आगे का वर्ड है कंजर्वेटिव ड्रेसर। कंजर्वेटिव ड्रेसर मतलब जिन्हें शॉर्ट्स कपड़े, स्लीवलेस या फिर कोई अलग अलग फैशन के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव ड्रेसर। आप क्या हो, कंजर्वेटिव ड्रेसर या फैशनिस्टा? जरूर बताना। अभी सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस होगा, ही इज कंजर्वेटिव ड्रेसर बिकॉज ही ऑलवेज वेयर्स आउटडेटेड क्लॉथ्स। मतलब वो जो है ना आदमी, वो कंजर्वेटिव ड्रेसर है क्योंकि हमेशा पुराने टाइप के कपड़े पहनता है। आगे का वर्ड है क्लासी। आप बोलेंगे क्लासी वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है, आप क्या ये बता रहे हो? क्लासी हैज सम डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक साड़ी इज सो क्लासी और ब्लैक कलर इज सो क्लासी, इट विल नेवर बी आउटडेटेड और आउट ऑफ ट्रेंड। और नथनी इज ऑलवेज क्लासी। कितने साल हो गए फिर भी नथनी और चांद टीका बोथ आर इन ट्रेंड एंड दे ऑलवेज बी इन द ट्रेंड, उसे क्लासी बोला जाता है। जब भी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दो ना, क्लासी वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना। लेडी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो उनकी साड़ी को बोल सकते हैं, वाओ दिस साड़ी इज सो क्लासी, मतलब ये ऑल टाइम द बेस्ट है, क्लासी। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए काम आता है। ट्रेंड वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है। आजकल कौन से टॉप्स का ट्रेंड है? दी बटरफ्लाई टॉप्स, यस, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नाउडेज एवरीबडी वेयर्स बटरफ्लाई टॉप्स, इट इज इन ट्रेंड, मतलब ये आजकल इन है, बटरफ्लाई टॉप्स। और जेंट्स में अलग अलग टाइप्स के जैकेट्स, दे आर इन ट्रेंड, दे आर लैविश, दे आर डेकोरेटेड, दे आर कलरफुल जैकेट्स, दे आर इन ट्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब तो आप जानते हो, लेकिन जाते जाते मैंने थोड़ा सा ट्रेंड बताया कि लड़कियां आजकल क्या पहन रही है, ताकि किसी को गिफ्ट देना हो ना तो ऐसे टाइप के टॉप्स दो, दैट गर्ल विल बी डैम हैप्पी। अगर मेरे वीडियोस कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं या फिर ऐसे लोग देख रहे हैं जो किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इन ट्रेंड है बटरफ्लाई टॉप, अलग अलग टाइप के, जैसे कि ऐसे खड़े रहे तो इट गिव्स द क्लासी लुक, ऑल टाइम द बेस्ट। तो हूँ आपको ये फैशन वाला वीडियो अच्छा लगा, पार्ट टू भी लेकर आना है, कुछ वर्ड्स बाकी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।